मैं भारत को भारतीयता के मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उस काम में लगा हुआ हूँ। राजीव दीक्षित। केवल स्वदेशी नीतियों से देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। यह वाक्य कहने वाले महापुरुष का नाम है राजीव दीक्षित। देश प्रेम और स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत इस महान इंसान, इस महान आत्मा ने बुराई के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाई। ये बहुत ही निर्भीक थे और लोक कल्याण के लिए जो भी हो सकता था वो करने के लिए हमेशा तत्पर थे। लोग इन्हें प्यार से राजीव भाई कहकर पुकारते थे। इनसे मेरा परिचय हुआ 2013-14 के करीब। परिचय हुआ इन सेंस कि इनकी कुछ वीडियोस, ऑडियोस मेरे पास आईं। वो इतनी ज्ञानवर्धक थी कि उन बस एक लत सी लग गई थी। बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे ऑडियोस सुने और उसे बहुत हद तक फॉलो करने की भी कोशिश की। मुझे लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है, चलो ऐसे ऐसे महात्मा महात्मा इतने महान लोग हैं अभी हमारे देश में, हम अभी भटक नहीं सकते, लोग हैं। लेकिन अचानक से मुझे पता चला कि जिसको मैं आज वर्तमान में सोच रही हूँ कि ये इंसान है, वो तो 2010 में ही जा चुका था। काफ़ी तकलीफदेह था ये। और इस रिक्तता को भरना आसान नहीं। आज इन्हीं महान पुरुष, महान देशभक्त, मार्गदर्शक, ज्ञानी, स्वदेशी, स्वदेश प्रेमी राजीव दीक्षित, इनके श्रद्धांजलि के रूप में मैं ये पोर्ट्रेट तैयार कर रही हूँ। पोर्ट्रेट थोड़ा सा लंबा है लेकिन कला प्रेमियों के लिए यह बहुत ज्ञानवर्धक भी साबित होगा। मैं इस पोर्ट्रेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती थी, कुछ बेसिक्स जिसके बेस पर एक पेंटिंग बनाई जाती है। जैसे सबसे पहले आपने देखा, मैं ये पेपर ली। हाँ, ये पेपर है, ये बुस्टोप पेपर, ये काफ़ी अच्छा पेपर है। सो ये स्केच पेंटिंग किसी भी चीज़ के लिए परफेक्ट है, खासकर वाटर कलर के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो पेपर लिया मैंने, सबसे पहले मैं इसको डायरेक्ट टेबल पर ऐसे ही बना रही थी। उससे हो क्या रहा था कि वो चीज़ें घसक रही थी, तो हमारा स्केच बेटर नहीं हो सकता था। तो उसके बाद मैंने उसको एक इस बोर्ड के ऊपर इसको पेस्ट कर, जिससे इसको मैंने पेस्ट कर लिया इस पे, ताकि ये बिल्कुल मूव ना कर सके। और जब हम वाटर कलर करेंगे तो कलर, ये जो हमारा बॉर्डर है उसको पार नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमने वो किया। दूसरा, ये हमारे स्केच के लिए हमने पेंसिल, अरे ब्लैक है, ब्लैक मैट है फेवर कैस्टल की, लेकिन हमें HB पेंसिल से ही स्केच बनाना चाहिए, वो लाइट होता है, ये ब्लैक है। सो ये चीज़ें, इसका जो कलर है ना वो दिखता है, ये स्केचिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चूंकि जब हमें वाटर कलर करना है तो ये सही नहीं है, उसके लिए हमें HB पेंसिल यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारी तस्वीर बनी। तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें मैं शेयर करना चाहती थी। तो सबसे पहले हमें जो स्केच बनाना है उसका आउटर लाइन, ये बाहर जैसे ये गोल है जो भी है, इसको हमें पहले ले लेना है। फिर धीरे धीरे हम उसके अंदर जाएंगे और डिटेल्स की तरफ जाएंगे। तो चेहरा एक ऐसा चीज़ है जो एक लंबा टाइम कंज्यूम करता है, इसको सीखने में हमारा बहुत टाइम चला जाता है। तो ये जो फेस है थोड़ा सा उठा हुआ है, मतलब फोकस कहीं और है, इस पर हम अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। हाँ, दिस इज बेटर। अब इसका जो कैलकुलेशन है, ये हमारी जो आईज हैं, सबसे पहले आईज कहाँ बिठानी है। तो सबसे पहले हमारा जो फेस है ना, ये फेस का ये
आई का जो ये है ना, आई के बीच हम यहाँ पर आए तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं तो ये सेंटर पॉइंट होता है। तो उसी तरीके से जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो ये हमारा आई सेंटर है। अब हम कहाँ नोज रखेंगे, कहाँ आइज रखेंगे, कहाँ आईब्रोज रखेंगे, एक डिफरेंट या एक थोड़ा सा मुश्किल चीज़ बन जाती है। तो ये थोड़े से मोटे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इनका मांस फ्लेशी है इसलिए उतना अच्छा नहीं, बट यही कैलकुलेशन है। हम जो भी फेस है उसको 1, 2, 3, 4 इतने भागों में बांटते हैं। अब ये है कि यहाँ से जो ठुड्डी होती है, यहाँ से लेकर ये नोज़ तक, और नोज़ से लेकर जो ये आईब्रोज होते हैं यहाँ पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ हेयर हमारे शुरू होते हैं, ये सारे के सारे बराबर होते हैं। अब ये देखिए, ये सही है, ये सही है, और ये यहाँ यहाँ तक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा ये फैट, तो फैट के वजह से। लेकिन यही हमारा कैलकुलेशन है, हमारा नीचे यहाँ ये और ये ऐसा हुआ। हमारा चेहरे का लेंथ तो ये हो गया, हमारा विड्थ, चेहरे का विड्थ, चेहरे का विड्थ जो होता है हमारा आईब्रोज हो गया, आईब्रोज के नीचे आईज, और हमारी आईज ये तो हमारा बिल्कुल सेंटर होगा, जैसे हम कोई रेडियस लेते हैं, और इसके इधर और इसके इधर, तो हमारी आई यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी। तो इसकी हम चौड़ाई लेंगे कैसे, हम जो ये है इसके भी इस पर अगर हम 5 आँखें रख दें तो क्या होगा। मजाक सा लग रहा है बट ये याद करने के लिए बहुत ही सटीक तरीका है। आँखें यहाँ पर होंगी 1, 2, 3, 4, 5 फाइव आइज, ये होगी हमारे चेहरे की विड्थ। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप अपना ही चेहरा आईने के सामने रख के देखिएगा, ये आइज जो यहाँ से यहाँ है, और इतना ही जो डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ के बीच में है, और ये तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 अगर डॉट्स बना दें तो हम उसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 आँखें रख के अपने चेहरे को इसकी चौड़ाई हम डिसाइड कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। हमारा ईयर हमारा जैसे ये सर्किल है तो हमारा ईयर बिल्कुल ऐसे जाता है, और ये हमारे नोज के पास जाता है। तो कुछ चीज़ें हम अपने फेस को आईने के सामने रखने के बाद भी हम बहुत सारा कुछ समझ पाते हैं और आसानी से हो भी जाता है। तो यही मैं अभी शेयर करना चाह रही थी। अब हमारी जर्नी शुरू होती है वाटर कलर की तरफ, जिसको हम अच्छे से देखते हैं, इंजॉय करेंगे, और आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप राजीव दीक्षित से बहुत अच्छे से परिचित हैं। फिर भी अगर आप नए हैं तो इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन्स आपको मीडिया में मिल जाएंगी, यूट्यूब पर बहुत तेरे वीडियोस हैं, उनको देखिए, बहुत कुछ मिलेगा, भर के ज्ञान है। ये इंसान इतना ज्ञानी है कि किस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ऐसे स्वदेशी, स्वदेश प्रेमी इस महान आत्मा को पूरे भारत की तरफ से नतमस्तक प्रणाम। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दें। थैंक यू।
कोशिश आपके दिल तक पहुंच पा रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट का बटन आपका वेट कर रहा है।